अभी तक घर गया नहीं, जब से आउट हुई है तब से हॉस्पिटल में ही हूँ। एक बार घर जाओ पता चले कि मतलब घर का माहौल कैसा है। भूल गया हुआ कि वो बैचलर वाला रूम कमरा जो है वो कैसा लगता है। अब पता नहीं कि वो बैचलर वाला कमरा अच्छा लग रहा है वो कपल वाला कमरा। हाँ गुस्सा मतलब गुस्सा नहीं था वो, मैंने जानबूझ के किया था। गुस्से में नहीं पर इरिटेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पर आके अटक गया हूँ, ड्यूटीज़ निभा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मतलब ये था कि एक ऐसे इंसान के लिए ड्यूटीज़ निभा रहा हूँ जिस जो मतलब जो मैं नहीं जिसे मैं पसंद नहीं करता। मेरे दिमाग में ये गलत इमेज है प्रज्ञा को लेकर, तो उस इमेज के ऊपर मुझे लगता है कि यार मैं इसके लिए क्यों ये कर रहा हूँ। तो फ्रस्ट्रेशन में आके वाच करता हूँ और फिर वो वाच के ऊपर एक दो डायलॉग मार देता हूँ। नहीं मैं जानबूझकर भला नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है मेरे से। वो इरिटेट भी कर रहा है ये बात। मुझे इनकी दादी जो है अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इनकी मम्मी जो है वो अच्छी लगती है, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं प्रज्ञा के लिए नहीं कर रहा हूँ। पर बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये उनकी बेटी है। वो तो अभी सोचा ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अभी तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इन्होंने इतनी मदद की हॉस्पिटल में, और इनकी वजह से मेरी मम्मी का जो ऑपरेशन है वो जल्दी शुरू हो जाता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो मैंने इनको यही बोला है कि मैं आपका एहसान याद रखूँगी, तो अभी तो मैं तो अच्छी बनी रहूँगी इनसे। हाँ वो पता नहीं वो खबर आपको कहाँ से मिली, अभी तक दादी से मेरी बात नहीं हुई उस बारे में कि वो इन्हें घर ले जाएंगी कि नहीं। वो आगे जाकर स्टोरी में पता चलेगा कि वापस घर आ पाएंगी कि नहीं। और दादी का डिसीजन है, एक बार दादी यहाँ से खाना वाना खा लो उसके बाद इतनी से डिसीजन लेंगे करना क्या है। पंजाब बने ना तो पराठे खाएंगी।